अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस ग्रुप रोशन की तरफ से मैं से खालिद। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सब लोगों ने धोरण 10 कंप्लीट कर ली और वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड। अब आप लोग 11वीं में आ गए। मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, 11वीं में आने के बाद भी आप सभी लोग का पहला सवाल यही है कि सर हमारे पास बुक्स है लेकिन उस बुक्स के जो नाम है और कौन सा सब्जेक्ट कहाँ और कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ों में हमारे को कन्फ्यूज़न हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग आज बीए का लेक्चर चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुक्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। अगर बुक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया फिर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो आपकी चौपड़ी के नाम है। मैं आपको बताऊँ, पहली चौपड़ी का जो नाम है वो है नामानुमूढ़ तत्व, जिसको हम लोग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चौपड़ी का नाम है, उसका नाम है आंकड़ा शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। तीसरी का नाम है अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। चौथी चौपड़ी जिसका नाम है वाणिज्य व्यवस्था संचालन, इसका नाम है बीए। ओके ओके। और उसके बाद आता है अंग्रेजी, गुजराती, एसपी और कंप्यूटर। तो जो तुम्हारे लिए मेन और नवे जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट, स्टेट, इकोनॉमिक्स, बीए। तो मैं आप लोग को पहले ये बता दूँ, अकाउंट के अंदर ये समझ लो कि अभी तक आपने जो 10वीं में पढ़ा ये पूरी अलग बुक है, 10वीं के बाहर की वीडियो है ये 10वीं के बाहर का सब कुछ आने वाला है इसमें, ठीक है। आंकड़ा शास्त्र, तो ये सिंपल जो तुम्हारा गणित था बस ये वो गणित ही है जिसे हमारा 15वां और 14वां चैप्टर जो था संभावना और आंकड़ा शास्त्र वही पूरे चैप्टर इसके अंदर आने वाला है। तो आंकड़ा शास्त्र मतलब स्टेट, मतलब गणित। ओके। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और ये जो वाणिज्य व्यवस्था संचालन जिसको हम लोग बीए बोलते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स और बीए है वो तुम्हारा एसएस है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि पूरे अर्थतंत्र के बारे में पढ़ने में आएगा, राष्ट्रीय व गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, जो समाज के अंदर हम लोग पढ़ते थे वो सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स और बीए के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। तो मैंने आपको सारे बुक्स का डिटेल बता दिया। अब हम लोग अभी हमारी पहली वीडियो जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बीए में। तो बीए के अंदर मैं पहला चैप्टर चलाने वाला हूँ, तो उसके अंदर सब लोग ध्यान देना, ठीक है। हम लोग बीए आज स्टार्ट करने वाले हैं और बीए के अंदर हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1, धंधानु स्वरूप, हेतु अने कार्यक्षेत्र। मैं आप लोग को बताऊँ, पूरे चैप्टर के अंदर बिजनेस के बारे में बात करने में आई है। मैं आपको बता दूँ कि ये टोटल यहाँ 3 टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही आते हैं। तो पहला टॉपिक है आर्थिक प्रवृत्ति और बिना आर्थिक प्रवृत्ति, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आगे चलाने वाला हूँ। दूसरा टॉपिक है आर्थिक प्रवृत्ति ना प्रकार, ये बहुत मोस्ट टाइम भी है, इस पर भी ध्यान देना। और तीसरा टॉपिक है हमारा धंधा के पद्धति नो वर्गीकरण, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने वाले आर्थिक प्रवृत्ति या बिना आर्थिक प्रवृत्ति। देखिए, मैंने आपके लोगों के लिए या एक PPT बनाई हुई है, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, मैं 2 लैंग्वेज में आप लोग को बोलूँगा, एक जो हम लोग समझ सकते हैं वाली लैंग्वेज और दूसरी चौपड़ी की। तो पहले चौपड़ी की लैंग्वेज बताता हूँ। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जे प्रवृत्ति पाछड़ आर्थिक वर्तन मेरवानो हेतु होते ना आर्थिक प्रवृत्ति के होए। अब मैं तुम लोग को बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, तो जिस प्रवृत्ति के पीछे प्रॉफिट का इंटेंशन हो, मतलब कि सामने पगार मिलता हुए या सामने कमाने होते हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति। एग्जाम्पल तरीके मैंने यहाँ फोटोस ऑफ किए हुए, तो आप लोग सबसे पहले देखो, जैसे कि वकील है, जो डॉक्टर है और जो टीचर्स है, तो वो लोग का मेन काम क्या होता है, पगार, आर्थिक वर्तन, जो सामने वस्तु के सेवाना बदला में जो आर्थिक वर्तन आपवामां आवे छे तेने आपणे शुं कहेवाय छे, आर्थिक प्रवृत्ति, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बिन आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में। चलो अब हम लोग बात करेंगे बिन आर्थिक प्रवृत्ति की। तो सर बिन आर्थिक प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, तो मेरी बात सुनो, बीच में देखो सेंटर में हैंड दिखता है आपको, तो देखो मैं बोलता हूँ, जे प्रवृत्ति पाछड़नो हेतु मात्र ने मात्र सेवानो है, मतलब कि पगार कमाना, सामने प्रॉफिट होना, बराबर, ये सब का इंटेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा का इंटेंशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिना आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे आप किसी की अगर मदद कर रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारा कोई कमाने का या आर्थिक वर्तन का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो एक सेवा का काम है। जैसे एग्जाम्पल तरीके पहला फोटो देखो, माँ पोताना बाळक ने उछेरे, तो वो एक बिना आर्थिक प्रवृत्ति हुई। दूसरा देखो, जो फ्री हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इलाज कर दे, तो वो क्या हुआ, बिना आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे कि तुम लोग अगर झाड़ उगा रहे हो या जानवरों को खाना दे रहे हो, तो ये सारी जो प्रवृत्ति होती है, तो उसका इंटेंशन क्या होता है, सेवा का,
तो याद रखो आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जे प्रवृत्ति पाछळ आर्थिक वर्तन मेळवानो हेतु होय तेने आर्थिक प्रवृत्ति कहेवाय, अने जे प्रवृत्ति पाछळ मात्र ने मात्र सेवानो उद्देश्य होय कमावानो इंटेंशन न होय तो तेने आपणे शुं कहीए छीए, बिना आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लिया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक क्लियर करने वाले जिसका नाम है आर्थिक प्रवृत्ति ना प्रकार। तो मैं आप लोग को बता दूँ आर्थिक प्रवृत्ति ना तीन प्रकार है, पहला है धंधो, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है रोजगार। धंधो मानी जो हम लोग जो हमारे फादर का ना होता है उसको धंधो बोलते हैं। व्यवसाय का मतलब भी क्या होता है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, और वो तुम लोग दूसरों को दे रहे हो और उसके बदले आपको पगार मिल रहा है। जैसे मैं, तो मेरे पास जो भी नॉलेज है और जो भी मेरे में स्किल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छी सी और आपको समझ पड़ रही है, तो वो एक मेरा व्यवसाय हुआ जिसे सुधार है, ये सब है टैलेंटेड। अब मैं तीसरी बात करूँ रोजगार की, तो जो नौकरियात वर्ग वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजगार। तो ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आर्थिक प्रवृत्ति ना प्रकार, धंधो व्यवसाय यानी रोजगार। तो हम लोग, मैं तुम लोग को बता दूँ पूरी चौपड़ी के अंदर कैसा दिया हुआ, धंधो एटले शू, धंधाना लक्षणों, व्यवसाय एटले शू, व्यवसायना लक्षणों, रोजगार एटले शू, रोजगारना लक्षणों। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अभी हम लोग यहाँ तक का ही रखेंगे क्योंकि पहली वीडियो है। तो हम लोग क्या करते हैं एक दो वीडियो डाल के फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे एडमिशन आते जा रहे और जूनियर बच्चे भी आते जाते फिर हम लोग अकाउंट के, स्टेट के ये सारे लेक्चर भी हम धीमे धीमे क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। अभी शुरुआत है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले धंधे का अर्थ समझते हैं कि धंधो ये अंग्रेजी शब्द बिजी पड़ती उतरे आए थे, समझ पड़ी बिजी, जेनो अर्थ शू थाय छे व्यस्त। ठीक है, तो सिंपल धंधे की व्याख्या क्या, धंधो एटले नफाना हेतु थी करवामां आवती कायदेसर नी आर्थिक प्रवृत्ति, कि जे प्रवृत्ति पाछळ, मेरी रिसी बोल रहा हूँ, जे प्रवृत्ति पाछळ मात्र ने मात्र नफा कमावानो हेतु होय ए पण केवो, कायदेसर नी प्रवृत्ति। फिर अगर मान लो जैसे ड्रंक है, ड्रग्स है, अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट मिलता है तो भाई वो धंधा जरूर है लेकिन कायदेसर का नहीं है तो वो धंधा नहीं गिन सकते हम लोग। तो सिंपल धंधो एटले शू, तो धंधो एटले नफाना हेतु थी करवामां आवती कोई पण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक का रखेंगे। आप लोग को क्या करना है, नोट लीजिए आप और उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक लिख दो, टॉपिक के बाद मैंने आपको जैसे समझाया वैसे लिख दो, और आपके लिखने के बाद आप उसको व्हाट्सअप पे फ़ोटो पाड़ के मुझे सेंड कर दो, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग